टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में बस स्टॉप पर लगे होर्डिंग पर काफ़ी घमासान मचा हुआ था। मुंब्रा शहर में बस स्टॉप पर एनसीपी की होर्डिंग की वजह से काफ़ी विरोध हो रहा था, मगर अब एनसीपी पार्टी के कलबा मुंब्रा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने इस होर्डिंग को ही बदली करवा दिया है। अब जो होर्डिंग लगाई जा रही है उसमें नाइस वर्ड प्रोजेक्ट और उसके ब्रांड एम्बेसडर मंत्री जितेंद्र आव्हाड की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके पहले जो होर्डिंग लगाई गई थी उसमें एनसीपी पार्टी का जिक्र था, मगर ये विवाद ही शमीम खान ने अब खत्म कर दिया है। इस पूरे मामले में जब हमने शमीम खान से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि शमीम खान जो ठान लेता है वही करता है। बहरहाल अब इस बस स्टॉप पर मुंब्रा शहर में करीब 7 से 8 बस स्टॉप है और जो होर्डिंग एनसीपी पार्टी की लगाई गई थी वो होर्डिंग हटाकर अब नाइस वर्ड प्रोजेक्ट की होर्डिंग लगा दी गई है।